मैं स्कूलों में जाता हूं आजकल, एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने ये प्रयोग किया है, 99.1% 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे। अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे। उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी है, हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट लड़कों की लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है। और मैं कई मंचों पर कहा है और यहां कहना चाहूंगा, दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको गांठ बांधने में चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं, कि जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें, हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए। क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा है, उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं, अगर बात बॉर्डर की बात। तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से, और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सके। आज देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में हम सिर्फ बिजनेस करने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि बच्चे का डर निकले, हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो।